हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं सरगम स्टूडियो गौराना, क्योंकि रमजान भाई को शादी के एक गाना रिलीज़ करवाना है। तो वहाँ पे राजस्थान के मशहूर सिंगर डगलू गवाड़े आ रहे हैं, तो हमने सोचा आज एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए, उनके साथ थोड़ी एक्टिविटी की जाए। तो आप बने रहे हमारे पूरे वीडियो पे और इन्जॉय कीजिए। और अभी हम वहाँ पे क्या एक्टिविटी करते हैं डगलू भाई गवाड़िया के साथ में, तो अभी आप हमारे वीडियो पे बने रहे। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरगम स्टूडियो गौराना। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या सिस्टम है। और अभी हमारे राजस्थान के चहेते सिंगर डगलू गवाड़िया से भी मिलवाते हैं आपको। अभी हम पहुंच गए हैं सरगम स्टूडियो और हमारे राजस्थान के फेमस सिंगर डगलू गवाड़िया से मिलते हैं। और भाई साहब, कैसे हो? बस बढ़िया, मस्त। क्या हो रहा है, गाना वाना शूट कर रहे हो? हाँ, गा रहे हैं यार। अच्छा, और ये भाई साहब भी गाना शूट करवाने आए हैं लगता है। हाँ भाई, हमारे रमजान भैया। अच्छा, शादी का सॉन्ग है जो गुआबा है। अच्छा, और बताओ आपके बारे में कुछ अपने दर्शकों को। बढ़िया चल रहा है भाई साहब। भाई, एक दुआ है जो आज राजस्थान मंगरो, जो भी आज प्यार दे दो, मैंने बहुत बढ़िया प्यार दे दो, बेकी भी जो आज गाना चल रहा है, क्योंकि अगर भाई गाना ना सुने तो चाल ही शान गाना। सही बात, पब्लिक भी बहुत बढ़िया प्यार दे दो मैंने, जो राजस्थान की जो आज एक सिंगर नाम दे दो डगलू भाई। अच्छा, अच्छी बात है। और भाई, मैं आई उम्मीद रखू के हमेशा कोई प्यार देता रहे, तो भाई बढ़िया बढ़िया गाना गा और टन सुनाता रहेगा। डगलू भाई अभी आपको गाना गा के दिखाएंगे कि किस तरह से गाना गाया जाता है और किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो अभी आप वीडियो पे बने रहें। गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, डगलू भाई गवाड़िया से मिलके आ गए हैं सरगम स्टूडियो गौराना गए थे जो। वहाँ पे बहुत मज़ा आया हमें डगलू भाई से मिलके। उनका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था, वो कभी भी किसी छोटे या बड़े किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। हमने सोचा था कि यार वो इतना बड़ा सिंगर हमसे बात भी करेगा या नहीं करेगा, हमारे साथ ब्लॉग बनाना तो दूर की बात है। लेकिन उनसे मिलके और उनसे जब बातें की तो ऐसा लगा कि यार ये कोई बड़ा सिंगर नहीं है, ये तो हमारा ही भाई है। और उनके जो बात करने का तरीका है, बहुत ही मज़ा आया मेरे को। बात बात पे कॉमेडी करना, हम हंस हंस के लोट पोट हो गए थे। मुझे तो बहुत हंसा आया था उनसे बातें कर करके। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहे। जय जवान जय किसान।